आजाद हिंद माँ भारती, नमन तुझे माँ, नमन तुझे। हम आजादी का 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तिरंगा शान से नीले आसमानों तले लहरा रहा है, लेकिन हमें उन अमर शहीदों के त्याग और बलिदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से ये धरती खुशहाल हुई, माँ भारती आजाद हुई। हम अपने इस कार्यक्रम अनसंग हीरोज में ऐसे ही वीर शहीदों की अमर गाथा बताते हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज हम बात कर रहे हैं अमर शहीद कुशल कोनवार की। अमर शहीद कुशल कोनवार का जन्म 21 मार्च 1905 में असम के गोलाघाट के वर्तमान जिले में सरूपथार के पास बलिजान में हुआ था। कुशल ने बेज बरुआ स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा की। वर्ष 1921 में स्कूल में रहते हुए उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बाद में वो एक क्लर्क के रूप में कार्य करने लगे, लेकिन स्वतंत्रता की भावना और महात्मा गांधी के आह्वान ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में अंग्रेजी हुकूमत के वापस जाने की मांग की गई। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से करो या मरो का आह्वान किया। अंग्रेजों ने महात्मा और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया। पूरे भारत में इसने अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन का प्रसार किया। जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर लोग वंदे मातरम का नारा लगाते हुए सड़कों पर बाहर आ गए। असम के लोग भी 1942 के इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल हो गए। कुशल कोनवार को ट्रेन की तबाही के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आरोप लगाते हुए ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 5 नवंबर 1942 को जोरहाट जेल में बंद कर दिया। कुशल को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने भारत माता के नारे के साथ फैसला स्वीकार कर लिया। जब उनकी पत्नी प्रभावती ने उनसे जोरहाट जेल में भेंट किया तो उन्होंने कहा, उन्हें गर्व है कि भगवान ने उन्हें देश के लिए सर्वोच्च त्याग देने के लिए चुना है। 15 जून 1943 को सुबह 4:30 बजे कुशल कोनवार को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई। हम ऐसे वीर शहीद के देश के प्रति उनके त्याग और बलिदान को नमन करते हैं। जय हिंदुस्तान।